अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पहले तो मुझे जो है माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने 3 दिन से वीडियो नहीं बनाया। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोगों को भी शायद पता ही होगा, फिर उसके वीडियो वगैरह देखते हैं। तो मुझे जो है 3 दिन से मैदे में दर्द था, तो दवाई वगैरह ली है। ये है कि अब पहले से बेहतर है, लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक नहीं हूँ। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी ब्लॉगिंग वगैरह कर लेते हैं आप लोगों के लिए। और फिलहाल मैं आई हुई थी बाहर ये मोहम्मद तैमूर को लेके, जो मेरी नंद है वो 3-4 दिन से आई हुई है हमारे घर, तो यहीं पर रुकी हैं। वैसे तो आई हैं काफ़ी लंबे समय बाद आई हैं, तो हमने कहा यहीं पे रुके हैं, 10 दिन रुके। तो अब जो इसका दिल भी यहाँ पे लग गया है। पहले दिन तो ये हमारे पास नहीं आ रहा था जी, और अभी ये खा रहा है अनार जो है। अभी मेरे साथ आ गए वहाँ कि मैं जा रही थी तो ये रो रहा था, इसकी मम्मा को तंग कर रहा था। तो मैंने कहा चलें आप भी चलो मेरे साथ, थोड़ा आपको घुमा के आती हूँ। शहर में तो ये होता है कि ये अपने चाचू के इकट्ठे खेलता रहता है, वो ले जाते हैं सुबह, लेकिन यहाँ पे बेचारा बंद है। इसे इसके मामू ले जाए तो ले जाए, नहीं तो बेचारा घर में रहता। तो मैंने कहा चले अब मैं घुमा के आती। तो अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं अपने खेतों में, और इस वक्त जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है जी, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। शाम का टाइम है, सुहान को भी मैंने सुला दिया, और हानिया भी खेलने में मसरूफ़ है, वो अपनी सहेली के साथ खेल रही है, नहीं तो उसे भी साथ में ले आती। हानिया यहाँ पे नहीं आई तुम्हारे साथ? वो बिस्मा के साथ खेल रही है अपनी सहेली के साथ, वो नहा के रेडी हुई तो उसी के साथ चली गई खेलने। इसके साथ नहीं खेलती वो? इसके साथ उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ये छोटा है ना, वो दोनों हम हमारे तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है जी। इसके साथ सुहान खेलेगा। मोहम्मद तैमूर जो है माशाल्लाह से 1 साल का हो गया, और इसकी कुछ दिन पहले बर्थडे भी थी, लेकिन सिर्फ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम इसकी बर्थडे भी अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन ये कि जो इसका बर्थडे का गिफ्ट था वो हमने इसे यहीं पे दिया है, और ये उस गिफ्ट से बहुत बहुत खुश होता है, सारा दिन खेलता है सारा दिन। और अभी इसकी मम्मा ने इसे रेडी किया है, तो मैंने इसे बिठा तो दिया है नीचे, लेकिन मैंने कहा आपकी मम्मा ने आपको मारना है अगर आपने यहाँ पर कपड़े गंदे किए। तो अभी शाम का टाइम है और बाहर खेतों में आई हूँ। बाहर खेतों में जो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे जो फसलें हमारी काट गई हैं और न्यू बीज डाला है। फिलहाल तो यहाँ पे घास लगा हुआ है सारा का सारा, आप लोग देखें जहाँ जहाँ तक दूर दूर तो आपकी नज़र जाएगी, सारा का सारा घास है। और यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी बना के अलग से यहाँ पे लहसुन लगाया हुआ है, और लहसुन की जो है माशाल्लाह से निकल भी आए थोड़े थोड़े उनकी शाखें, लेकिन ये है कि अभी इसको होने में काफ़ी टाइम लगेगा लहसुन को, तो जब ये होगा होगा। लेकिन यहाँ पर जब हमने बीज डाले हैं घास के, तो यहाँ पर जो है कौवे चिड़िया सब जो है चुगने आ जाते हैं। आप लोग उस ज़मीन में देखें वहाँ सामने, यहाँ पे भी जो है घास का बीज डला हुआ है, यहाँ घास नहीं डला हुआ, सॉरी गंदम का बीज डला हुआ है, तो वो गंदम के बीज जो है कौवे खा रहे हैं। याद अभी दादाजी का ऐसे ही खा लेंगे। तो ये कि अभी दादी जी ने देखा नहीं है, वो जैसे आते जाते रहते हैं। वो आ गई, वो आ गई, तो हानिया आ गई मैं ढूंढते ढूंढते। हानिया को मैं अभी अभी नहला के आई हूँ, तो तैयार किया था, और इसका हुलिया देखें आगे सारी मट्टी में गंदी हुई पड़ी है। तो अभी इसे जाऊँगी और जाके तैयार करूँगी। बच्चों का तो यही काम होता है, एक दफ़ा तैयार किया फिर खेलने बैठ जाते हैं। तो मेरा दिल नहीं था वैसे तैयार करने का, लेकिन ये कि मैंने कर दिया, मैंने कहा चलें थोड़ी देर साफ़ सुथरी रहेगी, लेकिन ये इस लायक ही नहीं है साफ़ सुथरी रहने के। वो मैं अभी अभी घर में आई, मैंने कहा आप लोगों को जो अपनी सब्जी दिखाती हूँ कि आज हम लोग क्या न्यू डिश बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले जैसे ही मैं घर में, मुझे इसकी आवाज़ आ गई, मैं रो रहा था, तो मैंने आके पहले तो इसे निकाला है झूले में से, यहाँ पे सो रहा था अम्मी अकेले छोड़ के चली। तो इसका जो झूला है वो भी हमने न्यू मंगवाया है, यहाँ इस झूले से इसको पारिक कर देंगे, नीचे जो ऐसा ही नहीं होता, रात में मच्छर भी खाते हैं और इलेक्ट्रिक झूला है। हाँ तो वो जैसे ही आएगा वो भी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे, कल या परसों आ जाएगा, ज़्यादा दिन तो नहीं है, तो यानी बिल्कुल हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। और सुहान को तो बहुत ही पसंद आएगा, इसे बच्चों को तो वैसे झूले बहुत पसंद होते हैं, हमने सुना। तो अभी पहले जो है मैं इसे चुप करा लेती हूँ, और उसके बाद जाके आपको अपनी न्यू डिश दिखाती हूँ। आज हमने जो सब्जी बनाई है वो भी आपको दिखाते हैं। दाल तो पक रही है, और कब पकेगी ये भी कोई पता नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। तो ये है आलू गोभी और गाजर। आलू गोभी तो आपने बहुत सुना होगा, और आलू गाजर भी बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो है ये मिक्स सब्जी बन रही है, जो भी फिरोज को जो है बहुत ही दिल था कि हम लोग ये 2-3 सब्जियाँ मिक्स करके बनाएं, तो आज ले आए हैं और आज ये पक रही हैं, और आज उनकी पसंद से ये लंबी लंबी भी पक रही हैं। देखें गोभी जो है साबुत साबुत है, बड़ी बड़ी नहीं, तो हम लोग जो अमूमन यहाँ पे खाते हैं तो वो इसे छोटा छोटा करके काटते हैं ताकि ये जो है घुल जाए बिल्कुल, लेकिन आज ये साबुत साबुत है, और कह रहे हैं कि पकी भी ऐसी होनी चाहिए। तो फिलहाल चढ़ गई है, देखते हैं इसका क्या रंग निकलता है, लेकिन
ये तो चढ़ गई और ये हो गई बाकी घर वालों का खाना, रोज का साथ नहीं। मेरा खाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे जो है गोभी नहीं खानी, मेरे लिए जो है सही नहीं है गोभी, और ना ही मेरे बेबी के लिए सही है। तो अभी मैंने कुछ और अपने लिए पकाना है, तो फिलहाल तो मैं यही सोची थी क्या पकाऊँ, लेकिन सब्जी तो कोई है नहीं, ये तो अपनी सब्जी ले आए और मैंने पकानी है अभी दाल। तो अभी जा रही हूँ और जाके जो है दाल वगैरह इकट्ठी करती हूँ और सामान अपना निकालती हूँ, वो वहीं अंदर वाले चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ ताकि ये बाहर जब तक पकती है तब तक मेरी दाल भी तैयार हो जाए, फिर जो है एक साथ खाना खाएंगे। एक और गुड न्यूज़ मैंने आप लोगों को देनी थी, वो ये है कि हमारा जो घर है उसका काम शुरू हो गया है, और काम शुरू हुए 2 दिन हुए हैं अभी से। लेकिन ये है कि जैसे भी मेरा मौका मिलेगा वहाँ पे जाने का, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि वो कौन जैसे छुट्टी होगी ना मिस्त्री मजदूर होंगी। लेकिन ये मैं कह रही हूँ, ये जो अभी छुट्टी आएगी ना, तो जुम्मे जुम्मे की छुट्टी होती है ना, तो अभी जो छुट्टी होगी इस वक्त तो कुछ बना नहीं होगा बिल्कुल भी, तो फिर मैं गाड़ी भी लग जाऊंगा। मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा घर बन गया, और ताकि ये कि उसके नक्शे वगैरह जो है वो सही सही जाहिर हो। हाँ, वो अभी थोड़ा फिर वेट कर लो एक वीक। तो बस मैं यही कह रही हूँ, जब थोड़ा थोड़ा सा घर हमारा बन जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा तो बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये कि घर में जाने की जल्दी है वैसे जल्दी तो मुझे पता है, मैं जितनी भी जल्दी करूँ, लेकिन वो अपने टाइम पे बनना है। इसको घर में जाने की बड़ी जल्दी पड़ी है, क्यों नहीं होती, हर किसी को अपने घर की ख्वाहिश होती है। बन जाएगा इंशाल्लाह, ये भी अपना घर है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पे वो सिर्फ एक कमरा और वो सिर्फ जो है पूरा घर अपना होगा, बच्चे भी आराम से सुकून से रहेंगे। यहाँ तो मैं मिट्टी से बहुत तंग हूँ असल में, खानियाँ जहाँ पे भी होती है घूमते फिरते मिट्टी में खेल रही होती है, और मिट्टी साथ में खा भी रही होती है, वहाँ पे मैंने जरे भी मिट्टी नहीं रखनी है, आपने सुन लेना है। करवाओ करवाओ खर्चा मेरा, नहीं मैं आपको ये नहीं कह रही मुझे मार्बल लगवा के कर दें, लेकिन ये कि पक्के फर्श लगवा देना कि मिट्टी ना हो, वो तो इंशाल्लाह लाजमी। तो जहाँ तक घर की बात थी, तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा और थोड़ा सा हमारा घर जाहिर होने लगेगा, तो आपको मैं जाके दिखाऊंगी कि वो किस लोकेशन पे है और यहाँ से कितना दूर है, क्योंकि आप लोगों ने भी पूछा था कि आप लोग घर कहाँ बनवा रहे हो, किस तरह का बनाओगे, 2 मिनट की दूरी पे है। और आप लोगों को भी यानी हमारी तरह इंतज़ार है कि हमारा कब घर बनेगा, क्योंकि हमने आप लोगों को भी काफ़ी अर्से से कहा हुआ है कि हमने घर बनवाना है, घर बनवाना है, घर बनाना है, और आप लोगों की दुआओं से शुक्र अल्लाह ताला का है कि हमारा घर जो है शुरू हो गया है। वो यहाँ पर बन रही है दाल, लाल और पीली मिक्स दाल बन रही है, और इसके अंदर मैं भी लहसुन का तड़का लगाऊंगी। सो आज का मेरा खाना यही है, चूँकि और तड़के वाली दाल मेरी फेवरेट भी एक होती है, मसाला भून के जो बनाते हैं दाल, वो भी वैसे बहुत ही मज़े की होती है, लेकिन मेरी फेवरेट जो है ये है, मैं जब भी अक्सर अपने लिए बनाती हूँ तो यही बनाती हूँ, अगर फैमिली के लिए बनती है तो वो फिर मसाले वाली बनती है। तो दाल मेरी बस रेडी है, इसको अभी तड़का लगाना है, बहुत पसंद है सर। फिर आप भी मैं खाना, मैंने वैसे काफ़ी सारी बनाई है, और मुंह में पानी आ रहा है ऐसे। हाय मुंह में पानी मारा, आपकी गोभी भी फेवरेट है। गोभी भी है, मुझे जो कुछ भी दे ना मुझे पसंद है, लेकिन सिवाय मटर के, मटर वो नहीं खाता मैं। मटर मेरे फेवरेट है, मटर की ग्राइंडिंग है। तो अभी मैं जो जल्दी जल्दी तड़का लगाती हूँ, और मुझे भूख भी काफी लग रही है क्योंकि 1 साल पहले तैयार हो चुका है। कमजोर भी हो गई हो देखो अभी, ये कमजोरी होनी चाहिए, 2-4 दिन बीमार रही हो। हाँ बीमार, और फिर वीकनेस आ गई है बहुत ज्यादा, तो कमजोरी तो चलती रहेगी। मैं लहसुन का तड़का बना रही हूँ, और बाहर जो है मेरी रोटी बना रही है, और जो मेरी आज की वीडियो थी वो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।